बच्चों, यह आपकी हिंदी की कक्षा है और आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से अनुच्छेद दशहरा को पढ़ेंगे। ठीक है, ये पेज देखिए, यहाँ पर है पार्ट 19 पर अनुच्छेद, पेज नंबर 87 से स्टार्ट होता है। हम ये पेज नंबर 88 का दशहरा पढ़ेंगे। ठीक है, इसे आप लाइन में भी लिख सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। दशहरा जो है वो हिंदू धर्म का धर्म के लोगों का एक प्रमुख त्योहार है। यह नवरात्रों के 10वें दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये दशहरा जो है नवरात्रों के 10वें दिन इसमें बताया गया है। तो इसमें क्या होता है, ये जो कार्तिक मास की जो नवरात्रे होते हैं उसमें जब दशहरा आता है तो उसमें 9 दिन दुर्गा माँ की पूजा की जाती है और फिर जो दशमी आती है उस दिन दशहरा मनाया जाता है। दशहरा में दो कहानियाँ एक साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे कि दशहरा जो है वो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। दशहरे वाले दिन भगवान राम ने रावण को मारा था। और इसी तरह से हमारे जो है ये नवरात्रे 9 दिन मनाए जाते हैं तो इनकी भी अलग से एक कहानी है। तो दोनों एक साथ होने की वजह से ऐसा कहा जाता है कि ये नवरात्रों के 10वें दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, यानी 9 दिन तक रामलीला का आयोजन होता है, 10वें दिन दशहरा किया जाता है। इस दिन भगवान राम ने लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त की थी। दशहरा वाले दिन ही भगवान राम जो थे उन्होंने लंका के राजा रावण को मार गिराया था और विजय प्राप्त की थी, इसलिए इस त्योहार को विजयदशमी भी कहा जाता है। तो विजय का प्रतीक है इसलिए इसे विजयदशमी कहा जाता है। विजय तो विजय हुई थी और दशमी का दिन था इसलिए विजयदशमी इसे कहा जाता है, यानी ये दशमी कौन सी है, विजयदशमी है। इस दिन पहले से ही चल रही रामलीलाओं को अंतिम रूप दिया जाता है, यानी इसमें रामलीला का आयोजन किया जाता है। दशहरे से 9-10 दिन पहले से ही ये शुरुआत हो जाती है और राम के जीवन पर आधारित होती है ये रामलीला, तो उसको उसमें दिखाया जाता है। और आखिरी दिन दशहरे वाले दिन यहाँ पे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए जाते हैं और उनको खुले मैदान में उनमें आग लगाई जाती है और जलाया जाता है। सब लोग रामलीला को बड़े उत्साह से देखते हैं, यानी रामलीला जब होती है तो सभी लोग बड़े खुशी खुशी उसको देखने के लिए जाते हैं। दशहरे से पूर्व ही लोग किसी बड़े मैदान में रावण और उसके भाई कुंभकर्ण तथा पुत्र मेघनाथ के पुतले बनाते हैं। ये जो पुतले मैदान में लगाए जाते हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के, इनकी तैयारी बहुत पहले से की जाती है और उनमें पटाखे भर दिए जाते हैं। तो पुतले जो बनाते हैं तो उसके अंदर पटाखे भी भर दिए जाते हैं, जब उसमें आग लगाई जाती है तो ये पटाखे फूटते हैं। राम और रावण की सेना की झांकियां निकाली जाती हैं। राम द्वारा रावण का वध किया जाता है, रामलीला का आयोजन होता है, उसके बाद में राम और रावण की सेना की झांकियां निकाली जाती हैं। राम जब और झांकियों के बाद में राम और रावण का युद्ध होता है जिसमें राम रावण का वध कर देते हैं और इन पुतलों में आग लगा दी जाती है, और जो पुतले बने होते हैं उसमें आग लगा दी जाती है। यह त्यौहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाता है। इस त्यौहार के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो लेकिन जीत तो अच्छाई की ही होती है। तो आपने इसको अपनी कॉपी में करना है और इसको याद भी करना है। इसको हम लाइन वाइज नहीं लिख सकते, इसको आपने ऐसे ही लिखना है जैसे इसमें बताया गया है
और अपने शब्दों में इसे याद करना है।